तो यार कैसे हो। तो फिर से हम आ चुका एक ब्रांड न्यू न्यूज में टॉप की वीडियो। तो आज भी मेरे पास बहुत ढेर सारा न्यूज है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ ये मुझे पता नहीं चला। भाई बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर न्यू कंटेंट के साथ वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते आज का टॉपिक की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक यूट्यूबर के बारे में जिसका कुछ दिन पहले डेथ हो गया, जिसका नाम है राहुल बोरा। बेसिकली उनको कोरोना वायरस अटैक किया था। तो उनका देहांत के पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मतलब ऑक्सीजन का जो मास्क होता है उसमें से ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल वालों को भी बोला कि मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल से उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। तो उस वीडियो का छोटा सा क्लिप चलिए देख लेते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं हाँ एक मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको ये करके क्या करूँ मैं। तो यार अगर आप लोग को वीडियो पूरा देखना है डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उधर से जाके देख लेना। तो चलो अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि टॉक्सिक मावी के ऊपर है। बेसिकली मैं जब कल यूट्यूब ओपन किया तो मुझे कुछ ऐसा होम पेज में मिला जहाँ के अंदर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने टॉक्सिक मावी का वीडियो देखता है। इससे पहले मुझे ये कभी नहीं दिखा कि बैटल ग्राउंड मोबाइल ऐसा एक यूट्यूब चैनल भी किसी का वीडियो देखता है। तब से मैं क्लियर हो गया कि ऐसा चैनल भी लोगों का वीडियो देखता है। तो चलिए बढ़ते अगला न्यूज की तरफ जो कि यशराज मुखर्जी के ऊपर है। तो बेसिकली कल उन्होंने उनका इंस्टाग्राम स्टोरीज पे एक पोस्ट अपलोड किया जिसके अंदर क्या था आप लोग मेरा पीछे की तरफ देख ही सकते हो, मैं बता दूँ उसमें था 2013 में, आज से आठ साल पहले उन्होंने जब यूट्यूब चैनल ओपन किया था तो उसमें दो दिन के बाद उनका 100 व्यूज आया था। तो उसको लेकर उनका फेसबुक में उन्होंने डाला था कि 2 दिन में मेरा 100 व्यूज आया। तो 8 साल बाद आज उन्होंने मतलब आज उनका 8 साल हो गया शायद यूट्यूब चैनल का, तो इसलिए उसका स्क्रीनशॉट लेके उनका इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाला था। तो चले बैठते अगला न्यूज की तरफ जो कि एसआई ड्यूएल के ऊपर है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट था ये एसआई ड्यूएल कहाँ से आया। तो बेसिकली 8-bit से और सोल से आया एसआई ड्यूएल, 8-bit और सोल से आया एसआई ड्यूएल। बहुत सारे लोगों का डाउट था ये क्या है। 8-bit थाग ने इसके ऊपर सारा मतलब जो क्वेश्चन था सब कुछ समझा दिया। तो चलो अभी उस वीडियो का छोटा सा क्लिप देख लेते हैं कि भाई अगर कोई 8-bit क्रिएटिव ज्वाइन किया तो ऐसे 12 ज्वाइन कर लिया क्या, या आप लोग अज्यूम कर लेते कि कोई अगर 8-bit क्रिएटिव ज्वाइन किया तो वो टीम 8-bit का पार्ट हो गया या वो ऐसे 12 का पार्ट हो गया। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि भाई 8-bit क्रिएटिव्स क्या है। 8-bit क्रिएटिव्स इज अ प्रीमियर टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी फॉर गेमर्स ऑफ इंडिया। आपको मैं बता दूं कि SATUL क्या है। SATUL इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर ई-स्पोर्ट्स एंड कंटेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु इज ट्राइंग टू टर्न गेमिंग इनटू लाइफस्टाइल इन आवर कंट्री। तो यार अगर आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला न्यूज की तरफ जो कि क्रिकेट के ऊपर है। तो BCCI ने क्या किया, अभी क्रिकेट टीम को दो भाग में भाग कर दिया गया, मतलब दोनों टीम अभी बना है, कब तक रहेगा मुझे नहीं पता। तो भाई पहला टीम का कैप्टन होने वाला है विराट कोहली, सेकेंड टीम का कैप्टन होने वाला है पृथ्वी शॉ। तो पहला टीम जाएगा इंग्लैंड सफर में और सेकेंड टीम जाएगा श्रीलंका सफर, मतलब इंडिया से दो टीम खेलने जाएगा एक ही टाइम पे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि बैटल ग्राउंड मोबाइल के ऊपर है। आप लोग सभी जानते होंगे इंडिया में न्यू गेम आने वाला है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो ये कब तक आएगा इसके ऊपर तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो क्या हुआ कि उनका जो यूट्यूब चैनल है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो उसके अंदर दो वीडियो अपलोड हुआ था, एक ट्रेजर्ड अपलोड हुआ था बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, दूसरा हुआ था लोगो बैटल ग्राउंड इंडिया का जो कैसा लोगो होगा। तो दोनों वीडियो अपलोड हुआ, तो भाई दोनों वीडियो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मतलब भाई मुझे लगता है बैटल ग्राउंड मोबाइल का पहली बार ये हुआ है कि दोनों वीडियो इतना दिन तक ट्रेंडिंग पे चला। बस आज के लिए इतना ही, और अब भाई जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है YouTube के ऊपर आने वाला है, मतलब YouTube में कुछ अभी सेटिंग चेंज कर दिया गया है, न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ।
मतलब इतना घटिया अपडेट दिया है ना, कितना घटिया अपडेट भाई, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो वो शायद कल आएगा, तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर उस वीडियो को देखना है। मतलब इतना घटिया अपडेट आया ना यूट्यूब में, क्या ही बता सकता हूँ आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रहेगा। और भाई प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बाहर जा रहे हो तो भाई मास्क पहना करो, मास्क पहना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रहेगा। जय हिंद। We'll be right back.